ग्रीटिंग्स फ्रॉम सीएमसी लुधियाना। आज वर्ल्ड सीओपीडी डे है, 19 नवंबर 2020, और आज हम बात करेंगे सांस की बीमारी जिसे कि सीओपीडी बोला जाता है। इस बीमारी से लगभग 300 मिलियन लोग पीड़ित हैं दुनिया के अंदर इस टाइम पे। सीओपीडी डेथ के कॉजेज में से तीसरे नंबर पे आती है बीमारियों की लिस्ट में। इसके मेन दो जो कारण होते हैं वो हैं, एक तो स्मोकिंग और दूसरा होता है पोल्यूशन। पोल्यूशन घर के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जो आजकल स्मॉग आसमान में रहता है, हवा दूषित रहती है जिससे, वो इस बीमारी को बढ़ावा देती है। तो उस चीज़ को हर सीओपीडी के पेशेंट को एब्सोल्युटली अवॉइड करना है। इस बीमारी में दवाइयों के अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारी डाइट, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, एनवायरमेंटल टेम्परेचर की मैनेजमेंट, गर्म सर्द अवॉइड करना, वैक्सीनेशन लेना उन बीमारियों के लिए जो सीओपीडी की तकलीफ़ को बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या ऐसी और बीमारियां हैं उनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, नहीं तो सांस की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस बढ़ती हैं। और ख़ुद को इमरजेंसी की सिचुएशन में कैसे मैनेज करना है वो सब चीज़ें सीओपीडी के पेशेंट्स को मालूम होना आवश्यक है, ताकि आप डॉक्टरी सलाह लेने से पहले घर पे ही अपना ट्रीटमेंट थोड़ा सा शुरू कर सको अपनी इमरजेंसी की सिचुएशंस में। ये जो बीमारी है इसकी मैनेजमेंट ये सिर्फ दवाइयों पे निर्भर नहीं करती, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को ठीक से मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। धन्यवाद।